नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की बिग अपडेट, RPSC ने सेकंड ग्रेड जो प्रोविजनल लिस्ट का सिलसिला है उसको जारी रखते हुए आज एक और विषय का परिणाम जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंजाबी विषय के विषय में कि पंजाबी विषय का जो रिजल्ट है आज RPSC ने अभी अपनी ऑफिशियल साइट पर डिक्लेयर कर दिया है। तो जो भी पंजाबी विषय के अभ्यर्थी हैं वो अपना परिणाम देख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि पंजाबी विषय में कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया है और आपका भी इसमें नंबर है या नहीं है, तो वो आप इसमें देखेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करें इससे आप, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि RPSC से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये आज ही दिनांक का, यानी यहाँ आप देख सकते हो 21/8/2019 आज का प्रश्न नोट है RPSC का, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। यहाँ देखिए आप, वरिष्ठ अध्यापक पंजाबी माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2018 के पदों हेतु आयोग द्वारा जो NTSP क्षेत्र हेतु ग्रुप प्रथम के प्रश्न पत्र सामान्य की लिखित परीक्षा दिनांक 28/10/2018 और प्रश्न पत्र द्वितीय पंजाबी विषय की जो लिखित परीक्षा है, यानी सेकंड पेपर जो है वो दिनांक 30/10/2018 को आयोजित की गई थी, और उक्त परीक्षा के फलस्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर अभ्यर्थियों को पात्रता की सूची में विचारित सूची में यानी प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये वो NTSP के अभ्यर्थी हैं, यहाँ केवल NTSP के अभ्यर्थी हैं उन्हीं को पास किया गया, इसमें TSP के लिए कोई जगह नहीं थी। तो पंजाबी विषय में जो NTSP है उसमें आप देख सकते दोस्तों, ये हैं रोल नंबर, और दोस्तों टोटल 212 अभ्यर्थियों को यहाँ पास किया गया है। देखिए दोस्तों, टोटल पंजाबी विषय में 212 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। तो ये रिजल्ट अभी अभी आया है, तो RPSC की साइट से ये अभी अभी डाउनलोड करके मैंने आपके सामने ये सूचना पहुंचाई है। तो दोस्तों, रिजल्ट आ रहे हैं और लगभग सभी विषयों के जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं, और जल्द ही इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी, तो उसके विषय में भी मैं आपको सूचित करता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल प्रधान अध्यापक की जो काउंसलिंग चल रही है RPSC द्वारा, उस काउंसलिंग के होने के पश्चात सारे जो विषय हैं उनका एक स्टेप बाय स्टेप क्रम के हिसाब से RPSC द्वारा आपको पृथक से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद ये जो प्रधान अध्यापक की काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ही सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको पूरा करवाएं और तैयार रहें काउंसलिंग के लिए। जो जो अभ्यर्थी यहाँ सफल हुए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही एजुकेशन न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।